मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने यहां बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और वर्तमान पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के पक्ष में प्रचार किया। सिंह का मुकाबला सपा के प्रत्याशी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती है, हम राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी विपक्ष के नेता राम के अस्तित्व पर सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि अब मुद्दा गोपाल मंदिर का है, मथुरा का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का मौका देती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और कार्यकर्ताओं को विपक्ष की गालियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने बिना किसी का नाम लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। मैनपुरी में हमारे भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह जी के कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर आया था। मैं देख रहा हूँ कि पूरा उत्साह उमंग के साथ सभी वर्ग, क्या यादव समाज या बाकी समाज, सब मिलकर के भाजपा के पक्ष में एक हवा चल रही माननीय मोदी जी को लेकर के। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ यूपी मैनपुरी सहित सभी सीट जीतेगी। पूरे देश में 400 पार, हमारे अपने प्रदेश में 29 की 29 पार, आपके उत्तर प्रदेश में 80 की 80 पार, ये सारी की सारी सीटें जीतेंगे। मैनपुरी में हमारे भाजपा